Thank you, sir. And now we may please begin with the interview. I'll have a couple of questions for you all, and I'll be joining you in no moment. बस तेज से बना बड़ा बस छोड़ो अभी लैंड का काम करा जाएगा अपना चलो भाई किधर गई किधर गई चलो रेडी I have a couple of questions for all of you on my phone. And my first question is for you, sir. Lisa, you're making the third installment of Bhulbulai. Yeah. So, is baar bhi monster ka ki atma ko shanti milegi? Ya wo aami je to maar gaati rahegi? बिल्कुल देखिए अगर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तो बाकी बहुत से लोग शांति होंगे और अभी ये तुम्हारा जो सॉन्ग है अगर वो नहीं होगा तो मुझे लगता है बहुत लोगों को डिसरेसेशन होगा कि इसलिए कि जो गाना है वो इतना आइकॉनिक गाना है और इस फिल्म के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो एक जिस्म है और एक रूह है ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें जो है ये गाना भी रहेगा और वो अशांति भी रहेगी वाह क्या बात है सर And my next question will be for you, sir, Mr. Sharmila, sir. Three Idiots का जो राजू का character है, आज उसपे इतनी memes बन रहे हैं. So कभी आपने सोचा था कि उस character को इतना प्यार मिलेगा and people will love him so much? नहीं अब ये तो सोच नहीं सकते हैं लेकिन हमें ये जरूर पता था कि एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पे हमें काम करने का मौका मिला है और इस फिल्म को प्यार मिलेगा ये भी हमें हम सबको यकीन था लेकिन किस लेवल तक प्यार मिलेगा ये किसी को पता नहीं था और फिल्म को तो प्यार मिला मेरे कैरेक्टर को भी जैसे आपने कहा बहुत प्यार मिला तो शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले जी और इस कैरेक्टर का क्या असर हुआ आपकी लाइफ पे क्योंकि लाइफ पे इट्स बिकम माय आइडेंटिटी Like you introduced me as Raju, I thought that was the time for me to enter. Then you said no for the introduction, and so it's become that it's synonymous now with me. Three Idiots is one such film. I think it's possibly the Sholay of our times. You know, one of those very special films that comes in a decade or two. Yeah. So yeah, honored to be a part of it. Well, thank you very much. And now, Rajat sir. सो हमने बहुत सुना है कि पहले मूवीज में हीरो से ज्यादा आपकी डिमांड हुआ करती थी योर द मोस्ट पॉपुलर एंटी हीरोज ऑफ योर टाइम एंड नॉट जस्ट योर टाइम इन फैक्ट स्टिल व्हेन आई लुक एट यू आई कैन टेल कि सर अभी कास्ट करना चाहिए सर को सो हाउ डू यू से बॉलीवुड इज डिफरेंट देन इट वाज बिफोर टुडे फॉर एन एंटी हीरो स्पेशली पहले भी सेम था आज भी सेम ही है आप तो सर सेम ही है आप बदल नहीं लग रहे कुछ बदला नहीं ना मैं बदला हूँ ना वक्त बदला है ना इंडस्ट्री बदली है वो वक्त भी सेम था ये वक्त भी सेम है तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ओटीटी के आके ओटीटी के आने से बहुत बदलाव आया है बहुत मौके मिले जा रहे हैं बड़े और बहुत सारे नए कलाकार आ रहे हैं आई एम सो हैप्पी दैट इंडस्ट्री में हर टेक्नीशियंस फ्रॉम टेक्नीशियंस टू एक्टर्स टू To the financial world also, everyone's getting an opportunity to be a part of the industry, Bollywood industry. Growth बहुत हुई है और I would say के audience को अलग-अलग content देखने का मौका मिल रहा है and now they are understanding much better. They're getting to see better content,
एक वक्त तो ऐसा भी था कि सब ओटीटी पे ही देख रहे थे, थिएटर पे कोई जा नहीं रहा था, पर अब थिएटर का वक्त आ गया वापस. तो आई वुड से दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द इंडस्ट्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दैट. थैंक यू वेरी मच. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू शाहिद सर. You're one of the pioneers of change in the world of casting. How would you say actors were perceived maybe a decade ago, and how are they being perceived now, especially the upcoming actors? Because I believe many actors would want to know this, that when they reach Mumbai and they want to audition for a role, they don't know who to go to, and many times they make this mistake of going to the wrong people and they are not treated well at the same time. How do you think the industry, the casting industry, is different now? देखिए, कास्टिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि पहले फिल्म्स होती थी और अभी ओटीटी आती है, तो जो बहुत सारे एक्टर्स थे जिनको फिल्म्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, उनको ओटीटी के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली है और ओटीटी से वो लोग भी फिल्म्स में आ गए. तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पेशली एक्टर्स के लिए. I'm doing a clockwise interview. Very good. Very good. Raju being Raju. Sir, हमारे दर्शकों का, सारे मीडिया का, जो सब यहाँ लोग बैठे हैं, उन सबका एक सवाल है कि सर, कमों की शादी पे मारुति 800 मिली थी. ये लोग सबने बहुत कंट्रीब्यूट किया अपना रांचो और मैडी के कैरेक्टर का नाम बोल रहा हूँ, कंट्रीब्यूट करके रोल्स रॉयस से ले आए थे वो लोग. सीक्वल में कौन सी गाड़ी लाएंगे, आई थिंक हवाई जहाज लानी पड़ेगी. सीक्वल लेंगे अभी, मैं बोल आज यहाँ पे कुछ बोल दूंगा अभी, जब बोलेंगे सीक्वल बन रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी मजाक में कह रहा हूँ. This is the first time in your illustrious career of being a Bollywood director that you're venturing into something like visa board. You're backing it up with all your might, all your energy, all your efforts. What is one quality of visa board that is making you step out of your comfort zone and want to give it your all? What is one thing that makes you believe in it so much? Actually, I'm from Gujarat and luckily मिस्टर हिरेन ठक्कर एंड प्रणाम कुमार जो भाई हैं वो भी तो गुजरात से हैं. हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है मैं कुछ और थोड़े से चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहूं, और ऐसा नहीं है कि वीज़ा बोर्ड इज़ द फर्स्ट कंपनी जहां पर मुझे, इसके पहले कई लोगों के साथ मैंने जुड़ने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई था. और जो लास्ट जब लोगों से मेरी मुलाकात हुई और तीन चार दिन मैंने अहमदाबाद में गुजारे इनके ऑफिस में इनके घर पर, तो आफ्टर मीटिंग विद प्रणब भाई एंड ठाकुर भाई, उनकी कंपनी को जो विजन था और जो एक मिशन था वो जो सब समझने के बाद मुझे लगा कि इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए. एंड बहुत कम बार ऐसा होता है कि बहुत कम वक्त में आपको इतने विश्वास बन जाता है. चूँकि मैं गुजरात से हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ हैं, और जब जब मैंने जहाँ जहाँ जिक्र इनके बारे में किया और वीज़ा बोर्ड के बारे में किया तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिली, और मैंने कहा कि यार इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए और इसकी तरक्की के लिए जो भी हम कर सकें, इसलिए मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. And now, Rajat sir, what would you like to say about Visa Board? First, I would like to congratulate the principals. Sir, congratulations for coming up with this unique idea, which is supported by AI, I believe, artificial intelligence. जो सही कहते हैं वो घंटों का काम मिनटों में. I think this is a great idea and. Now I am a Canadian passport holder, but मुझे याद है बट ऐसा भी था जब हम वीज़ा कहीं पर इंटरनेशनली ट्रैवल करना था तो मतलब बहुत वक्त लिया करता था टू गेट अ वीज़ा एंड इट इज़ टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. वो ही घंटों का काम नहीं, आई वुड से मंथ्स का काम इन्होंने मिनटों में कर दिया यूजिंग द AI प्लेटफॉर्म,
एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट अनीस वाजवी सर. हमारे तो इनके पारिवारिक रिश्ते हैं इनके साथ, मतलब मेरे दादा, मेरे फादर, होपफुली आगे आने वाला मेरा बेटा भी, ही'ल गेट हिज ब्लेसिंग्स. बट अनीस भाई के बारे में मैं ये कहूंगा, ही इज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर एज अ सुपरस्टार डायरेक्टर एंड अ सुपरस्टार राइटर. ही इज ऑल्सो अ विजनरी एंड ही इज ये हमेशा other than the film industry, मैंने ये देखा है ये कहीं ना कहीं he keeps looking at opportunities and I was amazed जब मुझे शायद भाई ने जिक्र किया कि यार अनीस भाई has come up has supported a startup. मैंने बोला wow, now young generation में सारे startups में घुसे हुए हैं but अनीस भाई getting into a startup and supporting it has been so credible, mind blowing sir. नहीं God bless, wishing you Did you just call him not young? No. He's, I'm telling you. No. You sit with him. He can only make you laugh. वो तो पर्दे पे बता दिखाई देता ही है. Age is not the criteria, but he's completely young and he's a child at heart. Child at heart, but with the experience of huge director. Oh my God! No, you have to see his office and you have to see all the films. जितनी फिल्में इन्होंने लिखी हैं, direct की हैं. मतलब एक लाइब्रेरी है वहां पर, खाली ऑफिस जाकर सारी फिल्मों के फोटोग्राफ्स अगर आप देखोगे आप बहुत खुश होंगे. बट यस, माय हार्टफेल्ट विशेस टू अनीस भाई, यू गॉड ब्लेस यू. आई होप वीजा बोर्ड मेक्स हिस्ट्री इन द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड हेल्प्स द कम्युनिटी एंड ऑल्सो योर अदर पार्टनर्स. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, job well done. I think it's a great thing you all have invented and God bless you all. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. My next question will be to you, sir. You remember it's a very good one, right? What are your views on Visa Board and on Anisa's participation and support to Visa Board? देखिए वीज़ा बोर्ड पे क्योंकि अनीस भाई आ गए हैं तो जो चीज़ चल रही है वो बहुत फास्ट चलेगी और अनीस भाई का सपोर्ट है तो जी को भी उससे बेनिफिट मिलेगा. मुझे लगता है कि वीज़ा बोर्ड जो है बहुत कुछ आगे करने वाला है. अभी तो कर ही रहा है लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ बहुत तेज़ी के साथ में करेगा. सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ अनीस सर को और बाकी टीम को. Thank you very much for kind words. Now, Sharman sir, your turn again. What is your point of view on Visa Board and how do you think Visa Board is relevant in today's world? So, Anis Bhai, man with the golden touch, if he's identified the potential of Visa Board, we can be all rest assured that there will be a service which will be very noteworthy. I don't know the technical aspects of it, but Anis Bhai has briefly told me and it seems अगर इनको इस वीजा बोर्ड के बारे में बात करनी है नॉन स्टॉप आती नहीं तो मुझे लगता है कि इसकी 24 आवर्स विदाउट स्टॉपिंग इतना इन्होंने काम किया. जब लोग इतना बात कर सकते हैं तो उसके लिए काम और जो मेहनत है तो इन्होंने इतना कुछ बताया है एंड आई एम श्योर कि सारे लोगों को वीजा बोर्ड के बारे में सब पता ऑलरेडी लग चुका है. नहीं तो हिरेन भाई और गैंग को मैं ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेट करने ही वाला था बट आई एम सीइंग एक इंस्टिंक्ट होता है किसी का जो अनीस भाई का इंस्टिंक्ट वी ऑल नो हैज बीन एब्सोल्युटली फैबुलस एंड हिरेन भाई एंड टीम ऑल ऑफ यू ऑल मस्ट हैव डन अ वंडरफुल जॉब आई एम श्योर एंड आई विश देम द वेरी बेस्ट. So because you're the, he said what? So because you're one of the most respected and most capable directors of our time, how can we use your direction at Visa Board? How is Visa Board going to benefit from your direction?
और नॉर्मली मैं एक्ट्रेस को बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है, क्या मैं डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ पर एक दोस्ती है हिरेन भाई प्रणव भाई से एंड एक विश्वास है, तो मैं जहाँ पर वहाँ पर मैं एज एन एक्टर हूँ। ये है डायरेक्टर्स, ये जिस डायरेक्शन में चलने के लिए कहेंगे मैं चलूँगा। एंड That is something new. So we are seeing Anisa as an actor now. Because क्या है कि जो फिल्म तो बनाते हैं तो सबको कुछ ना कुछ हर चीज मालूम होती है फिल्म की, तो थोड़ा 2% ज्यादा जानता है इस डायरेक्टर। और इस फिल्म के लिए इसका नाम है मिर्जा पुर, जो डायरेक्टर है मुझे मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, तो आई शुड फॉलो हिम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम एंड सच इनसाइटफुल इंटरव्यू। And now we have a quick press conference right here, where we are. Media will have some questions for you all. Yes, yes. Media is already very excited on it. Yeah. Mike, Mike. Sir, photo karo, photo. अरे अरे मेरे बाइट क्या है? या बोलिए बॉस, बताइए दोस्तों। अरे ये टेबल पर आपके पास माइक है? तुमको भी लग रहा है अभी तुम किधर हालत गलत जगह आ गए। हां कब से बोल रहे हो? ये तो वेरी नाइस सर, आ जाओ आ जाओ, चलो वेरी नाइस। रोल रोलिंग कैमरा रोल, वन सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। राजीव राजीव दूसरा हमारा पेड़ वाला बात चलो, पहले से बिजली बंद कर देना आप, पीछे बंद कर ले यार, बंद कर दीजिए बिजली। अरे बंद कर दो भाई लाइट। अरे बंद नहीं होएगा, अरे बंद नहीं होएगा भाई, तुम समझ नहीं रहे। चलो रोलिंग, हां चलो ये चलेगा, चलो अरे उतना लोग आएगा नहीं फ्रेम में रे, चल एलईडी ठीक है आप लोगों के? हां सर ओके सर, सर सर ओके रोलिंग। हां स्टार्ट, या स्टार्ट टिंकू भाई, पूछो टिंकू भाई। यहां पे सबसे पहले आपको बधाई देते हैं हमारी कई फिल्मों की शूटिंग जो है वो डिपेंड करती है वीजा पर, और इसके पहले कई मरतबा हमारे शेड्यूल्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं, बिकॉज अगर आपको 100 लोगों को 100 यूनिट के लोग हैं ले जाना है तो समटाइम बहुत तकलीफ़ होती है, और कुछ लोगों के वीज़े नहीं हो पाते, जो कि वो फिल्म के लिए हमारे वो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आई एम श्योर के फिल्म लाइन के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ये जो वीज़ा बोर्ड के थ्रू अगर हो रहा है सब काम तो वो बहुत आसानी से होगा, बहुत जल्दी होगा, और उसके जो होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये वीजा जो ऐप है इससे आप कुछ बता सकते हैं कि जो वीजा कंसल्टेंट्स हैं वो उनको कितना फायदा हो सकता है? उस बारे में सबसे ज़्यादा बता सकते हैं हमारे ठक्कर साहब, और उन्होंने पूरा बताया है काफ़ी लंबा चौड़ा। आप अगर ये एक संक्षेप में समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या। तो इसका मेरा जो सवाल था जो नहीं बताया चला मुझे, कि वो छोटे छोटे कंसल्टेंट जो ट्रैवल एजेंट से अपने ऑफिस स्पेस में बैठ कर काम करते हैं, क्या वो लोग भी आपके ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या उनको ऐप के थ्रू ही होता है या कंप्यूटर के थ्रू होता है, और किस तरीके से उनका मैसेजिंग आती है कि ये ऐप पास, ये वीज़ा प्रोसेस हो गई पास हो गई, इसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना वो बहुत ही बर्निंग इशू है एट द मोमेंट, कि जितने भी वीज़ा कंसल्टेंट हैं इसमें वीज़ा कंसल्टेंट के दो टाइप है, एक एजुकेशन कंसल्टेंट है और एक ट्रैवल कंसल्टेंट है। तो जितने कंसल्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उन लोगों को ये वीज़ा बोर्ड जो कंपनी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो पूरा वीज़ा असिस्टेंस के अंदर हेल्प करते हैं, रैपिड एसओपी के अंदर हेल्प करते हैं, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू उन लोगों का एसओपी कुछ ही मिनट के अंदर बन जाता है। हमारा पूरा एक जो वीज़ा कंसल्टेंट का कम्युनिटी का वॉल है जहाँ पे वो लोग आके अपना
जो प्रमोशन है वो कर सकते हैं, डे टू डे प्रमोशन कर सकते हैं फ्लायर्स के साथ। उसके बाद उनका अगर कोई इवेंट है, तो आज मैं पंजाब में कंसल्टेंट हूँ लेकिन गुजरात में कौन सा इवेंट चल रहा है मुझे नहीं मालूम है, तो वो अगर वीज़ा बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आके उनका इवेंट अगर वहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं तो गुजरात के भी कंसल्टेंटों के पास से उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसे आपने बोला कि एजुकेशन कंसल्टेंट है और जो ट्रैवल कंसल्टेंट है, सभी कंसल्टेंटों को एक वीज़ा बोर्ड से फ़ायदा होगा। हमारा पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है, दोनों हैं। इसमें जो डेटा कैप्चर किया जाता है वो डेटा एक कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उसको अगर कहीं से मिसयूज हो जाए तो उसको सिक्योर करने के लिए आपने क्या स्टेप्स ले रखे हैं, हमारी किसी गलत हाथ में नहीं आ जाए। वो जो हमारी कंपनी है जो वीज़ा बोर्ड, वी आर द ISO सर्टिफाइड कंपनी, सो वी हैव, वी आर अबाइडिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड वी हैव ऑल दोज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेटा एक्यूरेसी। एंड व्हाट आर द बिजनेस वीजाज एंड ट्रैवल वीजाज, टूरिस्ट वीजाज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजाज, सो हाउ डस एआई यूज देयर इंटेलिजेंस जो लोग अप्लाई करते हैं, जैसे स्टूडेंट वीजा होता है, विजिटर वीजा होता है, देन देयर इज अ सुपर वीजा, देन देयर इज कैन प्लस वीजा, देन देयर इज स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा, देन देयर इज डिपेंडेंट वीजा, तो ये जो सारी कैटेगरीज हैं जो कि हमारे वीजा बोर्ड पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, जिनके अंदर हम असिस्टेंस दे रहे हैं और विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे विल बी एबल टू सीमलेस देयर एंटायर प्रोसेस। मिस्टर गोपलानी, एक आपके लिए क्वेश्चन थे, ये वीजा बोर्ड के ऐप से इसकी जरूरत है, जैसे रेवेन्यू कैसे बढ़ सकती है ट्रैवल एजेंट की, उनके लिए क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं, उनका कुछ बेनिफिट्स क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली सी आई एक्सप्रेस माय आप सही था, थैंक्स फॉर यू पीपल, आप लोग सब यहाँ आज इस इवेंट को जो है आप कटे हुए हैं, और जो खास करके जो इस वक्त इंडस्ट्री का वीज़ा कंसल्टेंट का जो बर्निंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू सबसे बड़ा एक इश्यू रहता है। कोई भी आदमी जो है वो पैसा कमाने के लिए काम करता है, तो हमारा जो मेरा खुद का 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री जो है अभी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। आप जब देखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब आपने शुरुआत में मोबाइल देखा था तो मोटरोला का इतना बड़ा मोबाइल आता था, अभी जाके आप देखेंगे तो मोबाइल हाथ में आ गया। तो वो चीज़ जो है हर इंडस्ट्री में हुई है, जो चेंजेस हुई है टेक्निकली हर इंडस्ट्री में हुई है। तो इस इंडस्ट्री का जो बर्निंग इशू था, आज मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर इतने सारे कंसल्टेंट है, एवरी नुक एंड कॉर्नर हर आदमी बैठा हुआ है, उसके पास नॉलेज है या नहीं अलग बात है, इंडस्ट्री का नॉलेज है कि नहीं, लेकिन वो दुकान खोल के बैठा है, तो दुकान खोल के बैठा है तो वो दो आदमी रखेगा, कहीं ना कहीं उसको तो दिखाना तो है ना, दो आदमी लेके बैठेगा वो आएगा। तो होता क्या है कि मान लो कोई केस आया, अब उसे वो केस के बारे में मालूम नहीं है तो टाइम लग जाता है, उसकी वजह से उसका जो नाम है वो खराब होता है। हमने क्या सोचा कि इकोनॉमी तो कंटिन्यू करनी है, तो हमने हर आदमी का सॉल्यूशन ऐसा किया कि हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया है, जो हमारा वीज़ा बोर्ड है उस पर हमने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका रजिस्ट्रेशन टोटल फ्री है, एक रुपया भी हम रजिस्ट्रेशन का नहीं लेते हैं। अभी मान लो कि एक आदमी यूके के लिए वो अपना जो है एडमिशन का कर रहा है या ट्रेवल का कर रहा है, दूसरा आदमी जो है वो जर्मन के लिए कर रहा है, अब यूके वाले को जर्मन का मालूम नहीं है कि क्या करना है, तो कम्युनिटी में जब वो अपने फ्लायर्स डालते हैं कि मैं यूके का करता हूँ, मैं जर्मन का करता हूँ, इस तरह से उनको एक तो एक्सपोजर मिल गया रेवेन्यू का। आदमी जो जर्मन का करता है यूके भी कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, कनाडा भी कर सकता है, तो जो रेवेन्यू के जो उसको जो ऑप्शंस थे वो हमने बड़ा कर दिए। दूसरा कि एक आदमी अगर समझो जो कॉस्ट होती है, आज किसी के पास दो एप्लीकेशन है तो उतने आदमी लगेगा, कल कोर्ट के 10 एप्लीकेशन आ गई तो आदमी को बढ़ाना है, फिर जीरो आई तो उसका जो कॉस्ट है, देखो कॉस्ट सेविंग इज आल्सो रेवेन्यू जनरेशन, हमने उसकी कॉस्ट है ना बिल्कुल जीरो कर दिया। उसे करना क्या है, उसका जो भी कुछ आया सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल देना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी अल्स्टर अभी जो है टेक्नोलॉजी, उससे उसको जो अभी सर ने बताया कि महीनों के काम जो है वो घंटों में हो जाते हैं। अब जो महीने की कॉस्ट है
वो आपको घंटों में आपका रिजल्ट मिल गया, तो आप फोकस किस पे करेंगे? बिजनेस पे करेंगे। तो दैट वे आज अगर आप दो क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप 10 लोगों को दे सकते हैं, 100 लोगों को दे सकते हैं। तो जो आपकी इनकम दो लोगों की है, इट विल कन्वर्ट इन टू 100 पीपल। सो दैट इज द वे ऑफ जनरेटिंग एंड एनहेंसिंग द रेवेन्यू। आपने बहुत सारी रिसर्च की होगी, बहुत सारे आपको चैलेंजेस आए होंगे, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं और कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में कुछ बताए। सर हमने जो है ना, हम खुद जो है इस इंडस्ट्री में एज अ एजेंट कंसल्टेंट, हमारी खुद की अपनी एक कंसल्टेंसी है सुप्रीम इंटरनेशनल के नाम से, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट की वीज़ा करते हैं, अलग अलग जो है हम उस पर काम करते हैं। तो ये हमारा खुद का पेन था, ये 17 साल से हम काम कर रहे हैं और 17 सालों में हमने देखा कि होता क्या है, ये एक ह्यूमन जो है वीकनेस है। कोई भी आदमी जब कंपनी में 4 साल या 3-4 साल जुना हो जाता है ना, उसको क्या लगता है कि कंपनी मेरे बिना चल ही नहीं सकती, उसका एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वो क्या होता है कि जब हमारा काम बढ़ता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई ये अभी काम आपको करना है, वो आके क्या बोलता है, सर मेरा तो सैलरी बढ़ा दो नहीं तो मैं कल से नहीं आने वाला। दैट्स अ बिग इशू। और वो इतना हेडेक था कि मुझे जो बिजनेस करना था कि भाई मुझे साल का टारगेट था कि 200 स्टूडेंट करने हैं, मैं 50 नहीं कर सकता था। क्यों? कि सुबह आ जावे, मैं सर कल से नहीं आ रहा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी तो मदर बीमार हो गई, मेरा ये हो गया। सो दिस वॉज दी ह्यूमन प्रॉब्लम्स, लेबर का इतना इशू था। और उस दिन हमने सोचा, हिरन और हम बैठे और हमने कहा कि हिरन, इस इंडस्ट्री में अगर हमें आगे जाना है तो ये जो ह्यूमन हिंड्रेंसेस है ना, इसको ऑटो में कन्वर्ट करो। तू भाई तू कल से क्यों, आज से अभी चला जा, दिस इज द सॉल्यूशन। अभी हमें कोई ऑफिस में बोलता है ना, सर कल से नहीं आऊंगा, वो डर हो गया उनको कि अब तो मुझे आना ही है। अभी मैं आपको कल का एक केस बताता हूँ। कल एक एम्प्लॉय ने आके हमको बोला कि मेरे को तो ये चाहिए, अरे भाई तेरे को नहीं देने का, चली जा। फिर शाम को आके रोने लगी, हाँ मतलब कोई भी था, शाम को आके रोने लगे। हमने कहा कि भाई तुम्हारा रोना धोना देखें कि हम अपना बिजनेस देखें, तुम्हारी जगह अपनी सही है, हम आपको सब फैसिलिटी देते हैं। सी वी आर रेडी टू फैसिलिटेट यू इन ऑल द मैनर, बट बिजनेस का मालिक मैं हूँ और आप अभी कैसे मालूम है, जैसे अभी मैड सर्वेंट होती है ना, अगर आपके यहाँ मैड नहीं आई तो खत्म, पूरा घर मैड हो जाएगा। इसमें अगर आपके पास एम्प्लॉय ने ये कर दिया ना, वो सॉल्यूशन मैंने वीजा बोर्ड से लिया। हमने 3 साल इसके ऊपर मेहनत की, हम कम से कम 50 आईटी लोगों को मिले, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते। देखो मार्केट में आने से पहले हमें बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो दिस वे हिरन और मैंने दोनों ने बैठ के बहुत रिसर्च किया, डे बाय डे हम जो है उस पर काम करते गए, हम अपना बिजनेस भी करते थे, ये भी करते थे। और इस तरह से आज ऊपर वाले की दुआ से, बजमी साहब के सपोर्ट से, आप लोगों की जो है दुआएं हैं, आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वी आर द फर्स्ट कंपनी। और इसके अंदर एक और मैं आपको बताऊँ, हमारा सबसे जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है, उस ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या किया मालूम है, किसी को अगर इसके अंदर का अलग अलग सिस्टम है, हमने यहाँ तक बोल दिया कि किसी को अगर हमारी सर्विस समझ में नहीं आई ना, तो वी आर रेडी टू रिटर्न देयर मनी, पैसा हम वापस दे रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी हैव इन दिस। हेलो अनीस भाई, नरेंद्र गुप्ता। सर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और अक्सर मेकर्स फॉरेन में जाकर शूटिंग करना पसंद करते हैं, और जैसे आपने स्वीकार किया कि उनको वीजा में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, तो आप ये वीजा बोर्ड को फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाएंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले? देखिए मैं यहाँ हूँ तो सबसे पहले शुरुआत मैं अपने घर से करूँगा, जो भी मेरी नेक्स्ट शेड्यूल शूटिंग अगर बाहर होगी तो सबसे पहले मैं उन्हें ये कहने वाला हूँ कि भाई यहाँ से देखिए आप। और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये काम जो इतना मुश्किल था और इतनी आसानी से होता है, तो आई एम श्योर कि ये धीरे धीरे बात फैलेगी। एंड कोई भी जल्दी नहीं है हमें, इसलिए कि बहुत सोच कर, बहुत समझ कर, बहुत मेहनत करके यहाँ तक ये कंपनी पहुँची है, तो इसके आगे भी जो है बहुत सोच के समझ कर बहुत इसका अच्छा फ्यूचर करना है। तो वो मुझे लगता है कि अगर हम ठीक से काम करें तो अपने आप ही हो जाएगा। सर क्या ये फॉरेन में जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और वो लोग भी
आपकी ऐप यूज कर सकते हैं और उनके कंट्रीज के लिए कुछ फ्यूचर हमारा ग्लोबलाइजेशन है। जो हमारे प्रणव भाई हैं वो प्रणव भाई का मेन काम ही है ग्लोबलाइजेशन। हम इनके विजन से ही आ गया है। हमारे जो प्रणव भाई हैं सबसे पहले इन्होंने ये विजन देखा था कि इस इंडस्ट्री को हमें ग्लोबलाइजेशन करना है। अभी हमने इंडिया लेवल से शुरू किया है। देखो जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रेवेन्यू के बहुत इशू आते हैं क्योंकि वो पेमेंट डॉलर में आएगी तो फॉरेन रेगुलेशंस होते हैं उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। कल को ऐसा नहीं कि हम इंडस्ट्री चलाते जा रहे और कहीं और जगह भी चले जा रहे, वो हमें नहीं करना है। तो हम हर चीज़ के लिए जैसे अभी फॉरेन फॉरेक्स का जो है उसके लिए हमारे कंसल्टेंट हैं, हम उनके साथ बात करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें। तो हर मैटर पे हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में, मतलब मैं समझता हूँ एक आध साल जो है ये हमें लगेगा, लेकिन वी आर गोइंग टू बी अ ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा पूरा विजन क्लियर है। कुछ एल्सियर टेक्नोलॉजी या कुछ और टेक्नोलॉजी जो इसके बैकएंड में काम कर रही है उसके बारे में अगर आप जो एल्सियर टेक्नोलॉजी है वो एक जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सुनने रहना माइक है ना, अरे आवाज साउंड आ रहा है, आ रहा है साउंड, अरे इंजन है। हेलो, जो अल्स्टर टेक्नोलॉजी है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम रैपिड एसओपी जो है वो जनरेट करते हैं। सो एनी ऑफ द वीजा कंसल्टेंट दोज हु आर हैविंग द इश्यूज ऑफ द मैन पावर लिमिटेड नॉलेज एंड द हेसलफुल द एंटायर प्रोसेस एवरी टाइम न्यू कंटेंट, हर टाइम पे नया कंटेंट चाहिए। एक कोई भी पर्सन जब कंटेंट राइटर होता है तो उसका एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल नंबर ऑफ रेफरेंस एंड रिजल्ट्स जो है ये टेक्नोलॉजी जनरेट करती है। एग्जांपल फॉर कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन डाला है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कनाडा जाना है, ये यूनिवर्सिटी में जाना है और कॉलेज टोगा कॉलेज के अंदर एमबीए करना है, तो वो रिस्पांस जनरेट होने के बाद इफ़ यू फाइंड इट के नहीं मुझे जो है ये कन्वीनियंट नहीं है, यू जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द बटन दैट द स्टार्ट जनरेशन एंड यू विल गेट बी अनदर रिप्लाई। सो दिस वे देर आर मल्टीपल आउटपुट दिस रिजल्ट विच विल बी डिस्प्लेड ऑन अवर पोर्टल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अल्स्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है जो एसओपी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ग्रेट, थैंक यू। आपने कहा ना कि 100% मनी बैक गारंटी है और उसी बात पे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कितना चार्ज करते हो, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है एक ट्रैवल एजेंट को आपके साथ जुड़ना, उनके लिए कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती पैसों में? जो हम सर्विस दे रहे हैं ना, आज कोई भी आदमी वो लेवल पे सर्विस नहीं दे सकता। हमारी जो सर्विस स्टार्ट होती है वो मात्र 299 से चालू होती है, 299 से, और जो हाईएस्ट सर्विसेज है वो है 4999 और दूसरा जो है वो वीज़ा का जो है एडमिशन का वो 6094 है हमारा। और ये आज की तारीख में सिर्फ एक एडमिशन का तो छोड़ो, आप एंट्रेंस करो ना किसी भी में तो 10,000 कंसल्टिंग लेते हैं, 10,000 रुपया खाली कंसल्टिंग लेते हैं वो लोग, जबकि मेरी ये सब ऑनलाइन सर्विसेज जो है जो 299 से स्टार्ट होती है। तो दैट वे वी आर दी चीपेस्ट इन इंडिया। अभी ये एक्चुअली क्या जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं जब वो देखेंगे और जो सर्विस को देखेंगे कि ये 299, मैं आपको बता दूं एक आदमी को एक लड़का रखने के लिए आज की तारीख में कहीं पे भी रखोगे 20,000 से कम कुछ नहीं आता, और वो 20,000 रुपये के अंदर उसको अगर 20 मतलब एडमिशन या स्टूडेंट का कुछ काम नहीं आया तो उसका तो खर्चा भी निकलना मुश्किल है। अभी क्या करना है उसको मालूम है? कुछ करना नहीं है, उसको कॉन्टेक्ट लेना है, तेरे को क्या करना है भाई, कनाडा जाना है, तेरे को क्या करने का है, वीज़ा चाहिए तेरे को, विजिटर वीज़ा चाहिए, उसको उठा के उसका जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ है वो हमारे अल्स्टर उस पर डाल देने का है और हम उसको जनरेट करके देने वाले हैं। यानी आज वो आदमी अगर दिन का 15 से 20 आदमियों को भी कॉन्टेक्ट करके हमें देता है तो वैसे ही वो पैसा कमा लेता है। तो सर ने जैसे सही कहा कि अवर दिस सर्विस स्टार्ट्स फॉर 299 रुपीस,
So which is a very cost effective. Even if you go outside into the market, so any local person will normally charge you 10,000 plus rupees and that's all. So we are using the technology as well as all the other features of the website, which helps us to reduce the cost. और हमारा intention यही है, service तो सब लोग provide कर ही रहे हैं, पर visa consultant को अगर वही services subsidized price में अगर मिले, तो ही उन लोगों को benefit होगा। तो जैसे अगर आपने अगर आप आए अगर देखा होगा हमारा testimonial, तो कितने सारे कंसल्टेंट हैं जो जिन लोगों ने वीजा बोर्ड का पोर्टल लिया है और कुछ कर ही नहीं रहे, बस वो केस ले रहे और डाल रहे उसके अंदर, तो दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सरवन सर मैं ये जानना चाहता, आपने वीजा बोर्ड के बारे में सुना समझा, कितना कारगर है? अगर आप एक ग्राहक है, कितना कारगर आपको लगता है कि ये है? मैंने जैसे पहले कहा, मैं विजन बोर्ड, अनीस भाई, इन सबके सपोर्ट में आया हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इस ऐप को लेकर लिमिटेड है, बट जाहिर है सभी बातें कर रहे हैं तो बहुत ही एक विजनरी थॉट है और बहुत हेल्प करेगा सारे कंसल्टेंट्स और इवन द मेनली द कंज्यूमर्स। सो यस, थैंक यू। Right. This is B2B. Yes, it's plain office B2B. Address is in Ahmedabad. It is. Yeah, it is on our website. Yeah, it is listed. Yeah. Sorry. It is the grocery man which you are holding at the moment. Our office is located in Ahmedabad. It is in Gujarat. There is 204 Gala Rose, Ahmedabad. Okay. Thank you for the point to give to us. Next time we'll take care. Thank you. Website is mentioned. Yeah, already there is. Digitally, morally, we are promoting. The another thing is about it is it is all B2B, so normally our presence is digital. So we are not focusfully want the people to come to our office, so that is why the address is not much focused on the browser. So it's a B2B oriented kind of a thing. Thank you. ये टेबल हटा दो, थोड़ी अभी फटाफट करो। हाँ हाँ अरे अंकित भाई एंड दिनेश भाई, यू दोस वर सिटिंग बैक साइड, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। अरे यार चेयर है तो खड़े रहो खाली। चलो थैंक यू जी। ये मोबाइल, अरे मोबाइल सुशील और कोई बच्चा और यहाँ पे, अरे मोबाइल यार अभिषेक थोड़ा पीछा के। लेट्स डू थ्री चेयर्स फॉर वीजा बोर्ड। हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे चलो थैंक यू। चलो ले ले भाई, नाउस ले 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 ले।